बसपा नेता पिंटू सेंगर को मारी गई गोली, कई राउंड फायर झोंके जाने की खबर। हालत गंभीर, कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा प्रमुख मायावती को चांद पर जमीन देने वाले चर्चित बसपा नेता हैं पिंटू सेंगर। गंभीर हालत में हमले का शिकार हुए पिंटू सेंगर को भेजा गया रिजेंसी हॉस्पिटल। इलाके में दहशत लगातार, दूसरे दिन भी गोलियों की गूंज। बीते कल शुक्लागंज में बदमाशों ने पत्रकार को गोलियों से धबूना। ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से दहलक कानपुर नवागतुंग SSP को डराने हेतु बदमाशों ने दी अपराध कर सलामी। थाना चकेरी में चौकी जाजमो क्षेत्र में एक पिंटू सेंगर नाम के प्रॉपर्टी डीलर का अभी चार अज्ञात युवाओं के द्वारा दो मोटरसाइकिल में पीछा गया है। यहाँ पे वो इनोवा गाड़ी से जैसे उतरे हैं उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई है और फिर उसे पीछे लौट के भाग गए थे। घायल पिंटू सेंगर को पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। सर, मौके से कारतूस भी बरामद हुए, कितने कारतूस, क्या कौन से कारतूस बरामद हुए और कितने राउंड गोली चलने के बाद अभी तक सामने आई है? अभी तक सामने ऐसे मतलब 5-6 के ऊपर गोलियां चलने की बात कही जा रही है। मौके से उतने ही काली खोखा भी 32 बोर का बरामद हुआ है। तो हम लोग अभी मौके से जो ट्रायल्स पकड़ेंगे और जल्दी से जल्दी इसका और प्रथम दृष्टया क्या समझ आया, हाई प्रोफाइल मामला है, प्रथम दृष्टया क्या समझ आया? देखिए, अभी इसमें कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, अभी आधे घंटे पहले की घटना है। हम लोग मौके पर हर चीज़ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी सही है और जो भी तथ्य है उसके आधार पर हम विवेचना आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा होगा। अभी मेरे सामने इनका ना तो परिवार वाले बोले हैं कुछ, ना इनके जानने वाले कोई किसी का नाम लिए हैं। जो भी होगा, जो तथ्य फैक्ट्स है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।